कम्युनिकेशन सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसका पार्ट टू देखेंगे लास्ट पार्ट में हमने मॉडुलेशन क्या होता मॉडुलेशन की जरूरत क्यों थी उसके होने वाले फायदे क्या थे उन सारों उन सारी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया था आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है अगर वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन ओके सो हियर लेट योर मैसेज सिग्नल इज एम टी मैसेज सिग्नल जिसमें आपका मैसेज होगा कैरियर सिग्नल आपके मैसेज को जो लेके जाएगा दैट इज़ कॉल्ड कैरियर सिग्नल दैट इज ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी लाइक हम लोग मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं तो हमारा एक मैसेज होता है और उसको ले जाने के लिए एक कैरियर होता है जिस पे जिस पे आपका मैसेज ट्रेवल करता है ये जो कैरियर सिग्नल होता है इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है ओके okay? इट कंटेन्स हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स और मैसेज सिग्नल आप जानते हैं कि लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होता है लो uh, फ्रिक्वेंसी होती उसकी, है उसकी बेस बैंड सिग्नल है सो द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ए एम सिग्नल इज हमारी जो ए एम सिग्नल है एम्पलीट्यूड मॉड्यटेड सिग्नल है उसकी जो जनरल एक्सप्रेशन है वो आपकी यहाँ लिखी हुई है दैट इज नथिंग बट एस ए एम टी इज इक्वल टू एस ए एम टी इज इक्वल टू ए सी ब्रेकेट में वन प्लस के ए एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी यहाँ पे देख लीजिए आपका ए सी क्या है कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है एफ सी क्या है कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे आपका एक सिग्नल एक टर्म है के ए सो के ए इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ओके इसका भी अपना फायदा है अपना एडवांटेज है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे और अगर हम इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दें ब्रेकट के अंदर ले जाए तो ए सी इन टू टू पाई एफ सी टी वन से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा आपका ए सी कॉस्ट टू पाई एफ सी टी प्लस ए सी के ए एम टी इंटू कॉस्ट टू पाई सिटी सो ये आप देख पा रहे होंगे द फर्स्ट वन इज़ नथिंग बट द फर्स्ट टर्म इज़ नथिंग बट योर कैरियर सिग्नल एंड सेकंड टर्म इज योर मॉडुलेटेड सिग्नल सो एस एम टी इज इक्वल टू सिटी कैरियर सिग्नल प्लस मॉड्यटेड सिग्नल के ए एम टी इंटू सिटी सो आप जानते हैं आप देख देख पा रहे हैं कि जो आपका एम्पीट्यूड मॉडूलेटेड सिग्नल है उसमें आपका कैरियर सिग्नल भी है और मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी है अब आप जानते हैं कि जो आपका कैरियर सिग्नल है उसमें कोई इन्फॉमेसन तो है नहीं वो तो सिर्फ उसको ले जा रहा है मैसेज को आपकी इन्फॉर्मेशन तो केवल इस वाले पार्ट में है एम्पलीट्यूड मॉडलेटेड सिग्नल में तो ये जो कैरियर को हम भेज रहे हैं उसका भेजना यूजलेस है क्योंकि वो जाएगा तो कुछ पावर कंज्यूम करेगा लेकिन इसका फ़ायदा है जब हम डी मॉडलेशन करते हैं तो उसमें डी मॉडलेशन में जो आपका कैरियर सिग्नल है वो वहाँ पे आपका जो है एडवांटेजियस हो जाता है सो so, ड्यू टू दैट इज़ योर कैरियर सिग्नल डी मॉडुलेशन ऑफ एस एम टी बिकम्स वेरी इजी बट पावर विल बी वेस्टेड पावर इसलिए वेस्ट हो रही है क्योंकि आपको कैरियर का कैरियर को भेजना पड़ रहा है और आपके कैरियर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बट डी मॉडलेशन में ये आपका फायदा पहुँचाता है इसलिए इसको भेज रहे हैं एक बार इसकी एनालिसिस देख लेते हैं ये आपका मैसेज सिग्नल है इसका जो है आप अगर फोरे ट्रांसफॉर्म लेंगे दैट मीन्स अगर आप क्या बोलते हैं इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी डायग्राम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब इसको ले जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं एक लो पास सिग्नल जाके बनेगा ओके जो आपका कैरियर सिग्नल है इसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है इसको जो इसका जब आप फोरे ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इसमें दो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स इसमें है एक ही फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है और जब आप एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल की बात करेंगे एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल की बात करेंगे दैट मीन्स एस ए एम टी तो वो आप क्या है एम टी इंटू सी टी तो जब आप इसको कैरियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो कैरियर सिग्नल है वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी करेगा इसी को क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन और जब आप इसका आप फुल ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आप जानते हैं कि जो आपका सिग्नल है ये वाला मैसेज वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा अभी आपको हमने मॉडुलेशन प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आप कोई मैसेज सिग्नल है उसको आप एक साइनोसोडल सिग्नल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है वो आपको मॉडुलेशन प्रॉपर्टी आपको पहले पार्ट में अगर आपने देखा है तो आपको वहां से पता चल जाएगी सो so, ये आपके दो पार्ट में स्प्लिट हो गया सो so, यहां देखिए आपका जो कैरियर सिग्नल है कैरियर सिग्नल मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन सो हियर इज योर मैसेज सिग्नल ये आपका क्या है मैसेज सिग्नल है और अगर बात करें एस की तो एस मैंने क्या बोला था कि ये आपका जो मैसेज सिग्नल है दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है और वो जो दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है उसमें आपका कैरियर सिग्नल है प्लस मॉडुलेटेड सिग्नल है अगर बात करें तो ये कैरियर है यहाँ पे बना हुआ है ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है प्लस ये जो सिग्नल है मॉडुलेटेड सिग्नल ये भी दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है ये जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली रेंज है डोमेन है इस साइड या इस साइड इसको बोलते हैं क्या अपर साइड बैंड और जो लो फ्रिक्वेंसी वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग लोअर साइड बैंड सो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है अगर हम फ्रिक्वेंसीज़ की बात करें तो फ्रीक्वेंसी आपकी जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो एफ है और उसके दो पार्ट जो और हैं एफ सी प्लस एफ एम एंड एफ सी माइनस एफ एम ये इसके सिग्नल की जो रेंज है ओके okay. सो so अगर बैंडविथ की बात करें तो जो सिग्नल की जो बैंडविथ होती है किसी भी सिग्नल की बैंडविथ इज नथिंग बट जो आपकी बैंडविथ होती है हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होती है तो देख लीजिए जरा आप यहाँ पर इस सिग्नल में जो हाइएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ एफ सी प्लस एफ एम और जो लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ एफ सी माइनस एफ एम ये जीरो फ्रीक्वेंसी है जीरो लाइन है उसके बाद फ्रीक्वेंसीज आपकी नेगेटिव हैं तो हाइएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी तो ये आपकी लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है ये आपकी हाइएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है तो एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी आ ये जो बैंडविड्थ आपकी आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी टू एफ एम क्योंकि यहाँ से एफ सी और माइनस एफ सी कैंसल आउट हो जाएगा टू एफ एम हो जाएगा तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको एक सिग्नल भेजना है एक मैसेज भेजना है एम टी जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है एफ एम है तो उसको भेजने के लिए भी आपको जो बैंडविड्थ चाहिए उसको भेजने के लिए भी आपको जो बैंडविड्थ चाहिए वो टू एफ एम चाहिए तो मतलब आपका जो एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन है दैट डिमांड्स हाई चैनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट और ये आपका एक ड्रॉबैक है क्योंकि आपको अगर मल्टीप्लेक्सिंग करनी है तो आप चाहेंगे कि आपका जो चैनल है वो इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज हो क्योंकि आपके पास यूजर्स की कमी नहीं है ओके सो बैंडविड्थ ये जो है आपका टू टाइम्स चाहिए होगा मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ के सो एम डिमांड्स फॉर हाई चैनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसमिशन एंड दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ ए एम सिग्नल चलिए देखते हैं हमने बोला कि आपका जो मॉडुलेशन है वो दो टाइप का हो सकता है सिंगल टोन और मल्टी टोन तो हम चलिए शुरू करते हैं सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन मतलब इसमें केवल एक ही फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद होगा मैसेज में केवल एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है आप जानते हैं ये आपका मैसेज सिग्नल है आपके पास जो जनरल एक्सप्रेशन थी एस एम सिग्नल की एम्पलीट्यूड मॉडलेटेड सिग्नल की जो जनरल एक्सप्रेशन थी वो ये वाली है इसमें आपको मैसेज सिग्नल रखना है ये मैसेज सिग्नल आपने उठा के एम के प्लेस पर रख दिया और रख के आप इसको जब देखिए ए सी वन प्लस के ए और एम की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी एम कॉस टू पाई एफ एम टी टू कॉस टू पाइफ सी टी जो बाहर पहले से ही है ओके ये जो के एम है ये जो Ka और AM है दैट इज कॉल्ड मॉडुलेशन इंडेक्स म्यू इसको बोलते हैं क्या म्यू दिखाते हैं म्यू से दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ये बताता है कि आपने अगर सिग्नल का मॉडुलेशन किया है तो किस डेप्थ तक मॉडुलेशन हुआ है कितना परसेंट मॉडुलेशन हुआ है ओके मतलब मॉडुलेशन कितनी अच्छी तरीके से हुआ है वो बताता है आपका मॉडुलेशन इंडेक्स सो यहां पे देख लीजिए ए सी वन प्लस के ए एम की जगह हमने मु से, मु से रिप्लेस कर दिया के ए एम को इंटू कॉस्ट टू बाई एफ एम टी इंटू कॉस्ट टू पाई एफ सी टी पूरे ब्रेकेट के बाहर और इसको हम जब अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा अंदर ए सी कॉस्ट टू बाई एफ सी टी प्लस म्यू ए सी कॉस्ट टू बाई एफ सी टी इंटू टू एफ एम टी ये पूरा मल्टीप्लाई मुल्ट, ब्रेकेट जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये वाली एक्सप्रेशन मिलेगी और आप जानते हैं कि जो पहली एक्सप्रेशन है ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी दैट इज़ नथिंग बट कैरियर सिग्नल बचा आपका क्या म्यू ए सी कॉस टू पाई एफ एम टी इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी सो इसमें आप क्या कीजिए हम करते क्या हैं इसमें कि दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं आप जानते हैं कि दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं होगी ये हमने टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड भी किया हमने टू से मल्टीप्लाई किया टू से डिवाइड किया अब देखिए क्या हो गया टू कॉस ए कॉस बी ओके हम एक रिलेशन जानते जानते हैं टू कॉस ए कॉस बी क्या होता है टू कॉस ए कॉस बी इसका जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है सेम रिलेशन यहाँ पे हम रखेंगे देख लीजिए तो ये टू जो यहाँ पे है वो नीचे रह जाएगा आपका और ये जो ऊपर टू है उसकी वजह से आपका बनेगा तो ये तो आपका हो गया क्या एम्पलीट्यूड क्या हुआ कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस म्यू ए सी बाई टू कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एम टी यही है वो अपर साइड बैंड टर्म और ये आपका है लोअर साइड बैंड टर्म जिसकी हम पिछली वीडियो में पिछले स्लाइड में हम लोग बात कर चुके हैं कि अपर साइड बैंड भी होता है लोअर साइड बैंड भी होता है तो वही है यहाँ पे जो आया है तो ये आपको दिख रहा होगा कि इसको कैसे आपको जो है क्या बोलते हैं ये जो डेरिवेशन है ये आपको समझ में आ रहा होगा डेरिवेशन में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा सिर्फ़ एक यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करके हमने टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाया है ओके देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी एनालिसिस ये हमारा मैसेज सिग्नल है जो कि सिंगल टोन मॉडुलेशन की बात कर रहे हैं ये हमारा मैसेज सिग्नल है ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी अगर इसका फ्रिक्वेंसी डोमेन में आप जाएंगे तो ये इसका प्लॉट रहा और एस ए एम टी की बात करें तो एस ए एम टी में आपके पास क्या क्या है एक तो कैरियर सिग्नल है दैट इज ए सी बाई टू और अपर साइड बैंड है और लोअर साइड बैंड है तो देख लेते हैं ये जीरो फ्रिक्वेंसी लाइन आपकी है दिस इज़ योर करियर सिग्नल ए सी बाई टू जिसका एम्पलीट्यूड है और ये रहा आपका लोअर साइड बैंड और ये रहा आपका अपर साइड बैंड इसकी फ्रिक्वेंसी आपकी एफ़सी प्लस एफ एम है कैरियर फ्रिक्वेंसी एफ सी और इसकी फ्रिक्वेंसी आपकी है लोअर साइड बैंड की एफ सी माइनस एफ एम ये जो नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज हैं आप जानते हैं कि रियालिटी में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती हैं ये सिर्फ क्या बोलते हैं जो फिल्टर की प्रॉपर्टीज हैं या फिर क्या बोलते हैं जो मैथमेटिकल इक्वेशन uh, हैं उसको सेटिसफाई करने के लिए इनको हम यूज़ करते हैं बाकी क्या बोलते हैं आपकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो केवल पॉजिटिव एग्जिस्ट करती हैं अगर हम फिर से बैंडविथ की बात करें तो बैंडविथ इज नथिंग बट हाइस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी तो यहाँ पे आपकी हाइस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली है एफ सी प्लस एफ एम हाइएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस एफ एम है माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वो आपकी क्या है एफ सी माइनस एफ एम है रख दीजिए आप एफ़ सी माइनस एफ एम और अगेन आप बैनविट निकालेंगे तो आ जाएगा आपका टू एफ़ एम सो बैनविट आपकी ए एम सिग्नल की आप जानते हैं कि टू एफ एम होती है टू टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल बेनफिट होती है ओके okay? अब हम बात करते हैं कि ए एम सिग्नल में पावर कितना लगता है अगर आपको एक एम्पलीट्यूड मॉडलेटेड सिग्नल भेजना है तो उसमें कितना पावर कंज्यूम होगा आपको बैंडविथ कितनी चाहिए जिसका आइडिया तो आपको हो गया कि अगर आपका आपका सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी एफ़ है तो बैंडविट उसकी दुगनी चाहिए टू टाइम्स ऑफ एफ लेकिन अगर बात करें कि अगर हमको एक एम सिग्नल भेजना है तो कितनी पावर चाहिए होगी तो उसके लिए देख लेते हैं हमारे पास जो एम सिग्नल की इक्वेशन है दैट इज़ ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी फर्स्ट पार्ट प्लस म्यू ए सी बाई टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टी दैट इज़ योर यू एस बी टर्म अपर साइड बैंड टर्म प्लस म्यू ए सी बाई टू कॉस टू बाई एफ सी माइनस एफ एम टी योर एल एस बी टर्म आपको ये तीनों टर्म भेजने हैं तो तीनों टर्म्स को भेजने के लिए हमको तीन आ, पावर चाहिए होंगी तो जो टोटल पावर आपकी होगी वो पावर यूज बाई कैरियर सिग्नल पावर यूज्ड बाई अपर साइड बैंड एंड पावर कंज्यूम्ड बाई योर लोअर साइड बैंड ये तीनों पावर्स आपको निकालनी होंगी तब जाके पता चलेगा कि हमारा एक ए एम सिग्नल जिसको हम भेजना चाहते हैं उसको भेजने में कितनी पावर लगेगी सो so, आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि अगर आपको किसी सिग्नल का कोई साइनोसोल वेव फॉर्म है और उसका अगर आपको क्या बोलते हैं पावर निकालना है तो देख लीजिए ये आपका कैरियर सिग्नल है अगर हम बात करें जैसे आप जानते हैं कि वी आई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अगर मैं बात करूं इसकी पावर निकालनी है तो आप जानते हैं यहाँ पे जो लिखा है पीक एम्पलीट्यूड है और हम जो पावर निकालते हैं वो यूज़ करते हैं उसके लिए हम क्या आर वैल्यू ओके और आप जानते हैं कि जो आर वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है पीक वैल्यू पीक वैल्यू बाई रूट टू होती है ओके okay? और ये आर वैल्यू का यूज करके ही हम पावर निकालते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है या ये ए सी दैट इज़ योर पीक वैल्यू इसकी जो आपको आर वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा ए सी बाई रूट टू और तब पावर निकालेंगे ओके okay? सो so देख लीजिए आपकी जो पावर होगी पी वो हो जाएगी आर वैल्यू दैट इज ए सी बाई अपॉन आर आर इज योर रेजिस्टेंस ओके और अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी गई होगी तो आपको बाय डिफॉल्ट आर की वैल्यू वन लेनी है ओके okay? जैसे आप जानते हैं पावर कैसे निकालते थे आप वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर पावर क्या होती थी आपकी साइनोसोडल सिग्नल की साइनोसोडल सिग्नल की जो पावर होती थी बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर होती थी ओके okay? वैसे ही यहां पे देख लीजिए तो जो हमने कैरियर सिग्नल की पावर निकाली तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा आपका टू आर तो ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर इज योर कैरियर पावर जो कि मैंने यहां पे आपको लिख दिया है निकाल के पहले से ही तो आप ये देख लीजिए कि हमने ये पावर निकालना कैसे है वैसे ही बात करें अपर साइड बैंड में कितनी पावर लगेगी तो अपर साइड बैंड के लिए आप देख लीजिए कि उसका पीक एम्पलीट्यूड कितना है म्यू ए सी बाई टू है उसकी आर एम एस वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और आर एमएस वैल्यू आप निकालेंगे कैसे आर एम एस वैल्यू आप निकालेंगे बाई रूट टू से डिवाइड कर देंगे और जब आप इसकी पावर निकालेंगे अपर साइड बैंड की जब पावर निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा म्यू ए सी बाई टू तो ये पहले से था रूट टू से और डिवाइड करेंगे इसको ये हो गई इसकी आर वैल्यू इसका स्क्वायर अपॉन आर और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे बाई टू है वो फोर हो जाएगा ये रूट टू है इसका स्क्वायर टू हो जाएगा फोर इंटू टू एट हो जाएगा तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा म्यू स्क्ट आर ये अपर साइड बैंड की पावर है क्या है म्यू स्क्तर एसी स्क्र एट आर और आप देख पा रहे होंगे कि सेम पीक एम्पलीट्यूड इतना ही किसका भी है लोअर साइड बैंड का भी है तो इतनी ही पावर आपकी आपको जो है लोअर साइड बैंड को भेजने में भी खर्च होगी ओके okay? सो so अगर अब हम बात करें क्या टोटल पावर की तो टोटल पावर इज नथिंग बट योर कैरियर पावर प्लस योर अपर साइड बैंड पावर प्लस योर लोअर साइड बैंड पावर और आप जानते हैं कैरियर पावर आपकी कितनी है ए सी स्क्वायर पॉइंट टू आर अपर साइड बैंड पावर आपकी कितनी है अपर साइड बैंड पावर आपकी है ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर पॉइंट एट आर लोअर साइड बैंड की पावर भी आपको ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर पॉइंट एट आर है जब इसको आप जोड़ेंगे टोटल साइड बैंड पावर टोटल साइड बैंड पावर आपकी हो जाएगी पी यू एस बी प्लस पी एल एस बी बाई एट आर है जब इसको आप दोनों को जोड़ेंगे इक्वल वैल्यूज हैं तो ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन फोर आर बचेगा जो कि आपकी टोटल साइड बैंड पावर आएगी ओके okay? कहलाएगी और अगर हम बात करें टोटल पावर कि अगर आपको ये ए एम सिग्नल भेजना है और इसको भेजने में कितनी टोटल पावर कंज्यूम होगी तो साइड बैंड पावर प्लस कैरियर पावर जोड़ दीजिए जरा तो आप देख लीजिए जो टोटल पावर होगी पी टी दट इज नथिंग बट पी सी प्लस पी साइड बैंड और पी सी आपकी क्या है ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर और साइड बेन पावर आप कितनी है ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन फोर आर यहां से ए सी स्क्वायर पॉइंट टू आर आप बाहर ले लीजिए सो ए सी स्क्वायर पॉइंट टू आर बाहर ले लेंगे आप जिसको आप पी सी बोलते हैं ए सी स्क्वायर पॉइंट टू आर क्या है आपका पी सी है और यहां क्या बच जाएगा ब्रेकेट में वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू बच जाएगा वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू बच जाएगा आपका क्या बोलते हैं इस ब्रेकेट में देख लीजिए आप वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू और ये आपकी जो लिखी हुई है वैल्यू है दैट इज़ नथिंग बट पी तो देख लीजिए पी टी इज इक्वल टू पी सी वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू तो ये तो आपका पी हो गया और ये आपका हो गया क्या म्यू स्क्वायर वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू तो ये रहा आपका टोटल पावर और अगर हम लोग बात करें कि ये जो म्यू है म्यू आप जानते हैं क्या है मॉडुलेशन इंडेक्स ये बताता है कि आपका जो सिग्नल है वो कितनी ड्रफ्स तक मॉडुलेट हुआ है तो आप देख लीजिए कि हमारा जो साइड बैंड पावर है वो भी म्यू पे डिपेंडेंट है और हमारी जो टोटल पावर है वो भी म्यू पे डिपेंडेंट है लेकिन हमारी जो कैरियर पावर है वो म्यू पे डिपेंडेंट नहीं है तो आप देख लीजिए कि जैसे जैसे हम म्यू को बढ़ाएंगे मतलब जैसे जैसे हम मॉडुलेशन पावर बढ़ाए जैसे जैसे हम मॉडुलेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी साइड बैंड पावर और टोटल पावर दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगी लेकिन पीसी आपका कांस्टेंट रहेगा पीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज पीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू तो अगर आप म्यू को बढ़ाएंगे तो इससे आपका साइड बैंड पावर बढ़ जाएगी साइड बैंड पावर बढ़ जाएगी तो आपका टोटल पावर बढ़ जाएगा लेकिन बट आपका जो पी पीसी है कैरियर पावर ये आपका कांस्टेंट रहेगा ये आपका डिपेंड नहीं करता है किस पे म्यू पे तो ये रहा आपका क्या बोलते हैं पावर एनालिसिस ऑफ सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल ओके एक इसमें एनालिसिस करते हैं देखते हैं कि अगर हम मॉडुलेशन ना करें तो क्या होगा और अगर हम 100% परसेंट मॉडुलेशन कर दें तो क्या होगा अभी आप ये इस एनालिसिस से आप ये देख पाएंगे कि आपका जो मैसेज है वो केवल वन थर्ड पावर कंज्यूम कर रहा है टू थर्ड पावर तो आपका कैरियर सिग्नल ही कंज्यूम कर रहा है कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ आपको कि आपके पास तीन हजार हैं आप इसको घर भेजना चाहते हैं ओके आप अपनी फैमिली को तीन हज़ार रुपये भेजना चाहते हैं तो जिसको जिसके थ्रू आप भेज रहे हैं वो बोलेगा कि आपकी फैमिली को मैं एक हज़ार रुपये दूँगा बाकी दो हज़ार मेरे ले जाने का चार्ज होगा ओके सोचिए ये कितना महंगा पड़ेगा आपको अगर आप तीन हज़ार रुपये भेजना चाह रहे हैं और ले जाने वाले जिसको जिसके थ्रू आप भेजना चाह रहे हैं वो बोले कि नहीं हम ले तो जाएंगे लेकिन केवल एक हज़ार आपकी फैमिली को दूंगा और दो हज़ार मेरे ले जाने का खर्चा होगा काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको ओके कुछ ऐसा ही यहाँ पे है देख लेते हैं हमारा जब म्यू इज इक्वल टू जीरो है दैट इज दैट मीन्स नो मॉडुलेशन हमने कोई मॉडुलेशन किया ही नहीं है और जब आपने मॉडुलेशन नहीं किया है तो आप जानते हैं इस इक्वेशन को कि टोटल पावर पी टी इज इक्वल टू पी सी वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू और म्यू आपका ज़ीरो है तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा बचेगा सिर्फ पी सी जब आपका मैसेज केवल कैरियर पावर ही केवल कैरियर ही जाएगा मैसेज आपका जाएगा ही नहीं ओके सो दैट मीन्स ये आपके किसी काम का नहीं है विदाउट विदाउट मॉडुलेशन जब म्यू इज इक्वल टू तो हम वन कर दें दैट मींस हंड्रेड परसेंट मॉडुलेशन हमने पूरा पूरा मॉडुलेशन कर दिया मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट थी मॉडुलेशन की हमने पूरा पूरा मॉडुलेशन कर दिया है देख लीजिए सो पीटीवल टू पी सी वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू और म्यू की वैल्यू आप वन प्लेस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा क्या पी सी ब्रेकेट में वन प्लस वन बाई टू हो जाएगा दैट इज हो जाएगा आपका क्या थ्री बाई टू पी सी सो आप देख पा रहे हैं कि जब आपका म्यू जो था जीरो था तो टोटल पावर आपकी कितनी थी कैरियर पावर के इक्वल और जब आप आपका जो म्यू है वो वन है मतलब हंड्रेड परसेंट मॉडुलेशन है तो आपकी जो टोटल पावर है वो है थ्री बाई टू पी मतलब पी की डेढ़ गुना डेढ़ गुना है देख पा रहे हैं कि यहाँ पहले बार यहाँ पर सिर्फ क्या था वन पी था और यहाँ पर जब आपने पूरा पूरा मॉडुलेशन कर दिया तो वन पॉइंट हो गया दैट मीन्स आपका जो मॉडलेशन से जो फ्रॉम जी, जीरो जीरो मॉडुलेशन टू हंड्रेड परसेंट मॉडूलेशन आपका फिफ्टी परसेंट पावर इंक्रीज़ हुई बस देख लीजिए जब आपका म्यू इज इक्वल टू वन है इस केस में जो आपका पी होगा यहाँ से हम PT, अगर हम सिंप्लीफाई कर लें दैट इज इक्वल टू पी अगर हम यहाँ से पी को निकालें तो टू बाई थ्री और अगर हम पी साइड बैंड को निकालें दैट मीन्स अगर ये आपका क्या है कैरियर पावर है और ये आपकी टोटल पावर है तो आपकी जो बची पावर साइड बैंड पावर वो हो जाएगी टोटल पावर में से टू बाई थ्री घटा दीजिए तो वन बाई थ्री पी टी ये देख लीजिए कि इन द बेस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन केस दैट मीन्स फॉर हंड्रेड परसेंट मॉडुलेशन स्टिल आपका सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स सेवन परसेंट पावर जो आपकी है सिर्फ कैरियर को ले जाने में वेस्ट हो रही है ओके okay? मैसेज को ले जाने के लिए ओनली कितनी पावर रिक्वायरमेंट है थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट केवल इतनी ही पावर आपकी है जो मैसेज को ले जाने के लिए यूटिलाइज हो रही है बाकी पावर आपकी क्या हो रही है कंज्यूम हो रही है कैरियर को ले जाने के लिए लेकिन फिर भी हमको कैरियर भेजना पड़ रहा है क्योंकि डी करना आसान होगा अगर डी नहीं होगा तो आप जानते हैं कि आपको मैसेज रिसीव ही नहीं होगा ओके अगर आपके पास टोटल तीन वाट पावर है तो दो वाट पावर तो आपको लग जाएगी क्या बोलते हैं कैरियर है? को भेजने के लिए और केवल सौ वाट मैसेज सिग्नल आपका कहाँ पर है साइड बैंड में है कैरियर तो आपका ले जाने के लिए यूज़ हुआ है तो केवल यही यूज़फुल पावर आपकी आपकी है जो सौ वाट साइड बैंड पावर है वही आपकी यूजफुल पावर है बाकी वो तो कैरियर पावर है ओके okay, कि जब हम म्यू इज इक्वल टू वन की बात कर रहे हैं उस केस में भी हमारा टू थर्ड पावर वेस्ट हो रहा है कैरियर को ले जाने में यही एक ड्रॉबैक है हमारा एम्पलीट्यूड मॉडलेटेड सिग्नल का जो हमारा ए एम मेथड है उसका अब हम बात करते हैं इफिशियंसी की कि अगर हमारा इफिशियंसी जिसको बोलते हैं क्या पावर इफिशियंसी या मॉडलेशन इफिशियंसी इट स्पेसिफाइज द यूजफुल पावर अपॉन टोटल पावर जो आपकी मॉडुलेशन इफिशियंसी है दैट मींस यूजफुल पावर इज योर साइड बैंड पावर साइड बैंड पावर कितनी है इन योर टोटल पावर दैट इज़ कॉल्ड योर मॉडुलेशन इफिशियंसी सो इफिशियंसी इज योर नथिंग बट साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर पी और आप जानते हैं साइड बैंड पावर आपकी कितनी है म्यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर इन टू पी टू और टोटल पावर कितनी आपकी है टोटल पावर आपकी है पी सी वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू देख लीजिए इसको आपका पी सी से पी सी आउट हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर बचेगा आपका म्यू स्क्वायर बाई टू नीचे आपका अगर इसको मैं और रीअरेंज करूं तो टू प्लस म्यू स्क्वायर होल अपॉन टू हो जाएगा और ये ऊपर का टू नीचे का जो टू डिवीजन में है कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपकी जो इफिशियंसी हो जाएगी दैट इज़ योर म्यू स्क्वायर अपॉन टू प्लस म्यू स्क्वायर ये आपकी एएम सिग्नल की क्या है इफ़िशियंसी और अगर आपको अपना मैसेज सिग्नल अच्छे से रिक रिकवर करना है तो आपकी इफिशियंसी अच्छी होनी चाहिए मॉडल जो आपकी मॉडलेशन इफिशियंसी है दैट शुड बी हाई और उसके लिए आपका जो साइड बैंड है उसमें पावर ज़्यादा होनी चाहिए ये तो रही आपकी इफिशियंसी की बात इफिशियंसी इज़ नथिंग बट योर ईटा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर अपॉन टू प्लस म्यू स्क्वायर अगर हम बात करें कि यही जो रिलेशन हैं वही करंट और वोल्टेज में देखने कैसे रिलेशन बनता है तो आप जानते हैं कि पावर को करंट और वोल्टेज के टर्म्स में कैसे लिखते हैं अगर वो आप जानते हैं तो आपको ये रिलेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी जो दो दो रिलेशन लिखे हुए हैं अगर मैं बात करूं, आप जानते हैं क्या पी टी इज इक्वल टू पी सी वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू ये होता है आपका टोटल पावर और आप जानते हैं पावर इज़ नथिंग बट अगर हम करेंट के फॉर्म में बात करें तो पावर जो होती है वो आपकी होती है आई स्क्वायर आर पावर आपका क्या होता है आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग आई को हम आई टी से रिप्लेस कर देते हैं आर को वैसे ही रखते हैं तो आई पी टोटल इज नथिंग बट आई टी स्क्वायर आर पी सी को हम लिख सकते हैं क्या कैरियर करेंट आई सी स्क्वायर आर ओके और ब्रेकअप में जो है जैसा वैसा रह दीजिए वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू और यहाँ से आपका आर कैंसिल आउट हो जाएगा अगर हम यहाँ से आई टी की वैल्यू निकालेंगे तो आई टी इज इक्वल टू योर आई सी एंड दोनों साइड स्क्वायर है तो यहाँ पे इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू सेम वोल्टेज रिलेशन भी आप जानते हैं कैसे लिखते हैं वोल्टेज आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर बाई आर और ऐसे ही आप रिप्लेस कर देंगे तो आपको ये वाला रिलेशन भी मिल जाएगा तो ये दोनों रिलेशन कैसे आए हैं ये आपको पता है बहुत बेसिक है ओके सो so चलिए अभी तक हमने एम्पलीट्यूड मॉडलेशन पर जितनी भी चर्चाएँ की हैं उस पर हम लोग एक अच्छा सा सनिमरगल कर लेते हैं ताकि हमारी आ, हमारा कोई मतलब जो है इसको इसमें कोई दिक्कत ना रह जाए ए करियर सिग्नल ऑफ सी टी कैरियर सिग्नल आपको दिया है सी टी दैट इज़ नथिंग बट योर टेन कॉस टू पाई इंटू टेन पॉर सिक्स टी इज एम्पलीट्यूड मॉडलेटेड बाई अ मैसेज सिग्नल आपका मैसेज सिग्नल दिया हुआ है एम टी इज इक्वल टू सिक्स कॉस फोर पाई इंटू टू टेन पॉर फोर टी फाइंड ऑल पॉसिबल पैरामीटर्स ऑफ ए एम सिग्नल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अब तक आपने जितना भी पढ़ा है अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आपको ये मान के चलिए कि आपको एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन समझ में आ गया ओके तो हमारे पास एक मैसेज सिग्नल दिया है और एक कैरियर सिग्नल दिया है और आपको बोला गया है कि आप जो मॉडुलेशन इंडेक्स है उसको अज्यूम कर लीजिए कि पॉइंट सिक्स है हालांकि अगर मॉडुलेशन इंडेक्स नहीं दिया हो तो बाई डिफ़ॉल्ट हम लोग ये चीज़ें अप, अप्लाई करते हैं म्यू जो हो होता है आपका मॉडुलेशन इंडेक्स वो होता है मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड अपॉन कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड आर अगर नहीं दिया हो रजिस्टेंस को आपको वन ओम लेना है और अगर बात करें के ए के ए की तो वो होता है वन अपॉन कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड तो अगर बाई डिफ़ॉल्ट अगर नहीं दिया होता तो हम इन चीज़ों को अज्यूम करते ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने लिख दी हैं सो so, बोल रहा है कि आपके पास कैरियर सिग्नल है मैसेज सिग्नल है और मॉडुलेशन इंडेक्स भी है आप बताओ सारे पैरामीटर्स जो आप जानते हो किसके एम्पलीट्यूड मॉडोलेटेड सिग्नल के जो सारे पैरामीटर्स हैं अगर मैं आपको एक आ, मैंने वैसे लिख दिया है ताकि कोई पैरामीटर मिस ना हो जाए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त पैरामीटर्स में आपकी बैंड हो सकती है आपका पी है कैरियर पावर साइड बैंड पावर है आपकी टोटल पावर है आपकी इफ़िशंसी है और कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज़ प्रेजेंट हैं आपकी एम सिग्नल में ये सारे पैरामीटर्स हैं जो अब आप तक तो आपने देखे हैं ओके तो देख लेते हैं हमारा एम टी सिग्नल है एम टी सिग्नल का अगर हम बात करें मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है सिक्स सिक्स बोल्ट ओके अगर बात करें फ्रिक्वेंसी की एफ एम सो मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कितनी है यहाँ पर टू पाई होना चाहिए बट लिखा है फोर पाई तो टू पाई को इधर दे देते हैं टू को इधर दे, दे देते हैं तो ये आपका हो जाएगा टू इंटू टेन टू पावर फोर हर्ड्स या इसको लिख सकते हैं क्या ट्वेंटी किलो हड्स तो ये तो आपकी मैसेज फ्रिक्वेंसी है वैसे देख लेते हैं क्या कैरियर सिग्नल के बारे में तो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड दिया है ए वो कितना है टेन ये रहा आपका टेन वोल्ट अगर बात करें कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या है सो कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लिखिए टू पाई स्टैंडर्ड फॉर्म में है टू पाई इंटू टेन पॉट सिक्स टी तो टेन पॉट सिक्स इज योर कैरियर फ्रिक्वेंसी इसको हम टेन पॉट सिक्स को लिख सकते हैं इतना तो हर्ड्स है ये या इसको लिख सकते हैं क्या थाउजेंड किलो हड्स तो आप देख पा रहे हैं कि मैसेज सिग्नल ट्वेंटी किलो हर्ड्स है और कैरियर सिग्नल आपका थाउजेंड किलो हर्ड्स है तो कितना बड़ा है आपका कैरियर फ्रिक्वेंसी कितनी बड़ी है ओके चलिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो है दी गई हैं आपको मॉडलेशन इंडेक्स म्यू भी दिया है पॉइंट सिक्स नहीं दिया होता तो आप क्या करते एम बाई ए सी करते तो ऑटोमेटिकली पॉइंट सिक्स आ जाता ओके चलिए अब हम निकालना शुरू करते हैं क्या पहला पैरामीटर बैंडविथ हम लोग पहला सवाल सॉल्व करते हैं बैंडविथ निकालते हैं तो आप जानते हैं कि ए एम सिग्नल की जो बैंडविथ होती है दैट इज नथिंग बट टू टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल ओके तो टू इंटू एफ एम और एफ एम आपको पता है कितना ट्वेंटी किलो हर्ट्ज तो टू इंटू ट्वेंटी के दैट इज नथिंग बट योर फोर्टी किलो हट्स फोर्टी किलो हट्स दूसरा पैरामीटर आपको निकालना है क्या पी सी दैट मीन्स कैरियर पावर पी सी जो होता है अगर आपको अभी याद हो तो पी सी जो आपका होता था फॉर्मूला वो होता था ए सी स्क्वायर अपऑन टू आर बट आर की कोई चर्चा नहीं की गई है सवाल में तो आर की वैल्यू आप बाई डिफॉल्ट वन ओम ले लेंगे ए सी आपको दिया है टेन रखते हैं सारी वैल्यूज़ टेन स्क्वायर अपॉन टू इंटू वन और ऊपर हो जाएगा हंड्रेड बाई टू दैट इज़ फिफ्टी वाट सो इतनी वाट आपकी जो है कैरियर पावर होगी तो साइड बैंड की पावर की बात करते हैं पी साइड बैंड थर्ड पैरामीटर पी साइड बैंड पावर और आप जानते हैं कि साइड बैंड पावर जो होती है वो आपका होता है पी सी म्यू स्क्वायर बाई टू होता है साइड बैंड पावर जो आपकी होती है पी सी म्यू स्क्वायर बाई टू होता है पी सी आपने निकाल लिया पी सी आपने कितना निकाला पचास वाट म्यू कितना दिया है पॉइंट सिक्स ये रहा पॉइंट सिक्स इसका स्क्वायर अपॉन टू अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे हैं ऊपर कि ऊपर फिफ्टी है इन टू पॉइंट थ्री सिक्स हो जाएगा बाई टू हो जाएगा और इसको अगर आप और सिंप्लीफाई कर पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि अगर मैं इसको काट दूं इससे पॉइंट वन एट हो जाएगा और अगर इसको हम सिम्प्लीफाई करें तो आई थिंक सो ये आपका जो पावर आएगा दैट इज़ नाइन वाट ओके तो साइड पैंड साइड बैंड पावर आपकी नाइन वाट आ गई अगला पैरामीटर हमारा है क्या कि टोटल पावर क्या होगी सो so आप जानते हैं टोटल पावर जो आपकी होती है वो होती है कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर और कैरियर पावर आपका पता है सो so अगर हम अगले पैरामीटर की बात करें तो हमारा जो चौथा पैरामीटर है दैट इज़ टोटल पावर टोटल पावर इज़ नथिंग बट कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर और ये रहा आपका साइड बैंड पावर कैरियर पावर अभी आपने निकाला कितना था 50 वॉट प्लस योर साइड बैंड पावर इज योर 9 वॉट और इसको आप जब ऐड कर देंगे तो दिस इज़ गोइंग टू तो बी 59 नाइन वाट ये आपकी टोटल पावर है अगर हम बात करें क्या पाँचवें पैरामीटर की दैट इज योर इफिशियंसी दैट इज कॉल्ड योर पावर इफिशियंसी और मॉडुलेशन इफिशियंसी वैसे इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या कि म्यू स्क्वायर अपॉन टू प्लस म्यू स्क्वायर होता है पर यह फॉर्मूला आपके पास म्यू है बिल्कुल लगा के आप निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पर हमारे पास और भी जानकारी है कि साइड बैंड पावर दैट मीन्स यूजफुल पावर अपॉन टोटल पावर ये भी हमारा इफिशियंसी ही है हमारी साइड बैंड पावर कितनी है क्योंकि साइड बैंड में ही हमारा मैसेज है अपॉन टोटल पावर और साइड बैंड पावर अभी आपने निकाला कितना नाइन वॉट टोटल पावर आपने निकाला कितना फिफ्टी नाइन वॉट इसका रेशियो आपका एफिशंसी कहलाएगा अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए तो अगर मैं कहूँ कि आप ऊपर नाइन और नीचे अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी लिख दें कोई दिक्कत हमने एक बढ़ा दिया है अब ये तीन से कट जाएगा ओके ओके okay, इसको आप सिम्प्लीफाई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर इसको आप निकालेंगे तो पॉइंट वन फाइव या ऐसा कुछ आएगा ओके okay, ये सिम्प्लीफिकेशन का पार्ट है बिल्कुल आप कर सकते हैं इसको आपका जो सिक्स पैरामीटर है दैट इज़ फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन एएम सिग्नल कितनी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है ए सिग्नल में इसको जान आप लोग जानते हैं कि ए सिग्नल में एक तो कैरियर सिग्नल होता है एक अपर साइड बैंड होता है और एक लोअर साइड बैंड होता है तो फ्रीक्वेंसी एक एफ होगी दूसरी फ्रीक्वेंसी आपकी अपर साइड बैंड एफ प्लस एफ होगी और तीसरी फ्रिक्वेंसी आपकी क्या होगी एफ सी माइनस एफ होगी आप देख लीजिए आपके पास एफ है तो एफ सी आपका कितना है थाउजेंड किलो हर्ड्स एक फ्रीक्वेंसी तो ये होगी दूसरी फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस एफ एम अपर साइड बैंड तो थाउजेंड प्लस ट्वेंटी दैट मीन्स थाउजेंड ट्वेंटी किलो हर्ड्स ये आपका अपर साइड बैंड है और थर्ड फ्रीक्वेंसी इज वाट थाउजेंड माइनस ट्वेंटी दैट इज योर नाइन एट्टी हर्ट्ज़ ये फ्रिक्वेंसीज आपकी प्रेजेंट होंगी एएम एम सिग्नल में तो आई होप आप लोग को ये डिमरगल क्लियर हुआ होगा और इसके थ्रू आप लोग न, आप लोगों ने जान पाया कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए इन एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन ओके इस सवाल के बाद इस पार्ट को हम यही ख़त्म करते हैं बाकी फर्दर डिस्कशन के लिए हम अगले पार्ट में मिलेंगे ओके थैंक यू